हेलो बच्चों, हम आप आज को क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चैप्टर में है क्या, व्हाट आर ए लाइफ प्रोसेस। सेकंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफ मोड न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफ मोड न्यूट्रिशन। चैप्टर पढ़ने से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर ए लाइफ प्रोसेस। ठीक, देयर आर सर्टेन प्रोसेस एसेंशली फॉर रिक्वायर्ड एवरी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। हमारे हर किसी प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए कुछ प्रोसेस की ज़रूरत होती है, जिसके बगैर वह जिंदा नहीं रह सकता। कुछ प्रोसेस जैसे क्या हैं, रिस्पायरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन। आइए हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा आपको न्यूट्रिशन के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे, लाइफ प्रोसेस के एक यूनिट न्यूट्रिशन के बारे में। रोहित नाम का एक लड़का था। मैंने उससे कहा कि रोहित, आज तुम एक दिन के लिए फास्ट रख लो। उसने कहा, ठीक है सर जी, मैं एक दिन के लिए फास्ट रख लेता हूँ। फिर अगले दिन मैं फिर क्लास में गया, फिर बोला कि रोहित एक दिन की और फास्ट रख लो। उसने कहा, कोई बात नहीं सर, आज भी रख लेता हूँ। तीसरे दिन मैं फिर बोला, उसने कहा, ठीक सर, थोड़ा सा हल्की आवाज़ में बोला, ठीक सर मैं रख लेता हूँ। चौथे दिन फिर जब मैं गया उसके पास, मेरे कहने से पहले ही उसने मुझे कह दिया कि सर मैं अब फास्ट नहीं रख सकता। मैंने बोला, ऐसा क्यों तुम बोल रहे हो, क्या दिक्कत है तुमको। कहा, सर अगर मैं फास्ट रखूँगा तो मुझे हॉस्पिटल ले जाना ना पड़ेगा, मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा। मैंने सोचा, ऐसा क्या दिक्कत हो रही है इसको कि फास्ट नहीं रख रहा है। बोला, हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो आपको समझ में कुछ आ रही होगी बात यहाँ से, कि उसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। उसके शरीर में फैट के रूप में, किसी भी फॉर्म में, जिस रूप में थी जितनी एनर्जी, वह सब खत्म हो चुकी है। अब उसे एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी हम न्यूट्रिशन के द्वारा, न्यूट्रिएंट के द्वारा ही ले सकते हैं। तो हमको बात ये समझ में आई कि हर किसी को अपनी लाइफ प्रोसेस, हर किसी आदमी को अपनी लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए उसे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। ठीक, वो हम न्यूट्रिएंट चाहे कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, विटामिन्स के रूप में, फाइबर के रूप में, कई तरीके से हम उसको लेते हैं। कोई कहता है कि रोटी खाने से कोई मोटा हो जाता है। रोटी खाने से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक, तो एनर्जी दिन भर जितना हम काम करते हैं, ये वगैरह वगैरह जितना भी काम वर्क करते हैं, हर किसी को, हर वहाँ पर हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक, फिर आगे पढ़ते हैं। फिर एक लड़का बोला, सर मेरा बाल बहुत झड़ रहा है। मैं बोला, उस डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उसको लिख दिया कि तुम आयरन की गोली खाओ। कुछ दिन बताया रहा, सर जी नहीं झड़ रहा, अभी भी बाल रुक रहा। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला, जिंक, ये लो जिंक ठोस लो, अब तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक, तो हर एक किसी को लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, किसी न किसी फॉर्म में होती रहती है। अगला एग्जांपल, रिस्पायरेशन। हम क्लास ले रहे हैं, क्लास में अगर हम सांस नहीं ले तो सांस के द्वारा ही हम लेकर ही तो क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अगर सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। यानी रिस्पायरेशन भी लाइफ की प्रोसेस, एसेंशियल प्रोसेस है। यानी बिना रिस्पायरेशन के भी हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और इसके एग्जांपल हैं एक्सक्रीशन।
ट्रांसपिरेशन एक्सक्रीशन क्या, जैसे जो कुछ हम दिन भर खाते हैं ठूसते हैं सब, जो जितना सम हम कुछ लेते हैं तो उसको निकालने की भी ज़रूरत होती है। उसमें बेस्ट मटेरियल जो होते हैं, क्या उसको हम खाने के बाद अपने आंत स्टोमच में उसी में रखेंगे? नहीं, अगर वो बेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में कुछ ज़्यादा देर तक रहेंगे तो हमारे शरीर को वो हार्म पहुँचाएंगे, हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसके लिए हमको ज़रूरत होती है कि जो बेस्ट मटेरियल होते हैं खाने के बाद, हम एक्सक्रेटरी सिस्टम के द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं। जिस प्रोसेस के द्वारा हम शरीर से बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को हम एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। अब अगला एक और टॉपिक है, इसमें होता क्या, रिप्रोडक्शन। आप कहेंगे सर ये भी लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, लाइफ के लिए एसेंशियल है। नहीं, ये लाइफ प्रोसेस से थोड़ा हट के है, ये एसेंशियल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे मेंढक है, मेंढक रिप्रोडक्शन करके एक आध बच्चे पैदा कर लेता है, फिर आप उससे कहेंगे ऐसा है मेंढक जी आप बंद कर दीजिए, आप बच्चे पैदा करते रहिए। उसने बोला नहीं, मेरी मर्जी, मेरी जब ज़रूरत होगी, मुझे जैसा लगेगा तब मैं करूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है मैं नहीं करूँगा, मैं एक बच्चा पैदा, दो बच्चा पैदा कर दिया, अब नहीं करूँगा। तो अब यहाँ रिप्रोडक्शन एसेंशियल नहीं हुआ, बात आई समझ में? किस ये ज़रूरी नहीं है, नहीं करेगा क्या मर जाएगा? रिप्रोडक्शन नहीं करेगा मेंढक, नहीं बच्चा पैदा करेगा तो मर जाएगा? नहीं, यहाँ पर रिप्रोडक्शन ज़रूर एसेंशियल नहीं है। तो इसको हम रिप्रोडक्शन को अलग चैप्टर से इसको पढ़ेंगे, इसलिए इसको अलग चैप्टर में रखा गया है। आप आई होप आपको समझ में आया होगा इस एग्जांपल के द्वारा व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस में हम पहला न्यूट्रिशन पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। और थोड़ा ध्यान से समझिए, आप आगे तो सब समझ चुके हैं। देखिए होता क्या है न्यूट्रिशन। वी आर वॉक और राइड इस बाइसाइकिल, वी आर यूजिंग ए अप एनर्जी। हम चाहे पैदल यात्रा करते हैं या साइकिल से, तो हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने आपको बताया, एनर्जी इज नीड टू मेंटेन स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। एनर्जी क्या करती है? हमारे शरीर को मेंटेन बनाए रखती है, हमारे बॉडी को एक फॉर्म में बनाए रखती है, इसलिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इन कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म में जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, मटेरियल की ज़रूरत होती है, एक कॉमन होता है, सब में कॉमन होता है, कॉमन एनर्जी की ज़रूरत होती, ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। बट इट फुलफिल इन डिफरेंट वे, लेकिन इसकी जो पूर्ति होती है अलग अलग तरीके से होती है। कुछ लोग अलग तरीके से उस एनर्जी को पूरा करते हैं, कुछ अलग तरीके से डिफरेंस वे में करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑफ्टन फॉर इनऑर्गेनिक सोर्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंपल फूड मटेरियल के द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ किस, इन ऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीज ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स यानी हिंदी में स्वपोषी कहते हैं। ठीक, इंक्लूड एग्जाम्पल जैसे क्या हो सकते हैं, ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। ये कैसे ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। नाउ आगे पढ़िए हम, नाउ आगे, अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कुछ और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का यूज करते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हेल्प टू बी ब्रोकन इनटू सिमिलर वंस बिफोर दे कैन यूज अप कीप ग्रोथ आवर बॉडी। वो क्या करते हैं, अब उस एनर्जी को अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए यूज करने से पहले उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, समझे। ऑर्गेनिज्म यूज बाय कैटलिस्ट कॉल्ड एज एंजाइम। जिस एंजाइम के द्वारा वो, जिस ऑर्गेनिज्म उसको यूज करते हैं और उसको तोड़ते हैं, एक कैटलिस्ट एंजाइम का प्रयोग करते हैं। दस द हेटरोट्रॉप्स सर्वाइव डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। ये जो हेटरोट्रॉप होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से
ये ऑटोट्रॉप पर ही डिपेंड होते हैं। ठीक, ऑटोट्रॉप किस पे, हेटरोट्रॉप किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉप पे। और ऑटोट्रॉप अपना भोजन क्या करते हैं? वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एनिमल्स एंड फंजाई। अब आगे हम न्यूट्रिशन का डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन आर डिफाइंड एज सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ए लिविंग बॉडी। क्या करता है न्यूट्रिशन? हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस, हमको जिंदा रखने के लिए, हमारे बॉडी को जिंदा रखने के लिए हमें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। बिना न्यूट्रिएंट के हम नहीं रह पाएंगे। ये हमारे बॉड लाइफ प्रोसेस के लिए इसेंशियल है। बगैर एनर्जी न्यूट्रिएंट के हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमें किसी भी हालत में हमको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो आई होप आप न्यूट्रिएंट के बारे में समझे होंगे। अगले चैप्टर में हम आपको न्यूट्रिएंट के ऑटोट्रॉफ मोड न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।